हेलो एवरीवन, नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड एंड सेफ एज वेल। आज है सावन का पहला दिन, तो हैप्पी सावन टू ऑल ऑफ यू। और मैंने रूल्स के मुताबिक रूल्स तो नहीं है, मेहंदी लगा ली है, हरी चूड़ियाँ भी पहन ली है। तो आप सब कैसे हो बताइएगा। और यहाँ है बहुत ज़्यादा गर्मी पंजाब में। वैसे तो सावन में हर तरफ बारिश होती है, लेकिन पंजाब में बारिश उतनी होती नहीं है। और फिर भी मतलब अच्छा लगता है मुझे सावन का महीना, हर तरफ हरियाली, शिव जी का महीना है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ओके, थंबनेल से और टाइटल से अब तक तो आपको पता चल ही गया होगा आज का वीडियो क्या लेके है। तो टुडेज़ वीडियो इज़ ऑल अबाउट माई ज्वेलरी कलेक्शन। नाउ मैं एक बात पहले ही बता दूँ, मेरे पास यहाँ पे कोई भी गोल्ड ज्वेलरी नहीं है। मेरे सारे के सारे गोल्ड ज्वेलरी लॉकर में है और यहाँ नहीं है। मैं अपने ससुराल में छोड़ के आई थी वो सब। तो या मेरे पास यहाँ पे जो भी हैं वो सारे आर्टिफिशियल ज्वेलरी हैं, जंक ज्वेलरी, ऑक्सीडाइज्ड ज्वेलरी, देन फैंसी ज्वेलरी बेसिकली, ठीक है। और अगर मेरा लुक थोड़ा सा मतलब अजीब लग रहा हो आपको, थोड़ा सा मतलब थोड़ा वियर्ड लग रहा है अगर मेरा फेस अगर आपको, तो प्लीज़ एक्सक्यूज़ मी फॉर दैट, क्योंकि मैं थोड़ा सा टायर्ड हूँ इसीलिए। तो लुक को कीजिए इग्नोर और वीडियो पे कीजिए कॉन्सेंट्रेट। एक मिनट हो गया, अब मैं फटाफट से दिखाना स्टार्ट करती हूँ। ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है, बहुत टाइम से तीन चार लोगों ने मतलब बहुत टाइम से तीन चार लोग मुझे रिक्वेस्ट किए जा रहे हैं। स्पेशली आई वुड लाइक टू मेंशन माय सिस्टर्स नेम श्रेयसी। श्रेयसी ने मुझे काफ़ी टाइम से रिक्वेस्ट किया है, दीदी अपना ज्वेलरी कलेक्शन दिखाना दिखाना, पर मुझे टाइम नहीं मिल रहा था यार, सॉरी। लेकिन आज मैं फाइनली दिखाने वाली हूँ। ये है पार्ट वन। पार्ट वन में मैं कुछ दिखाने वाली हूँ और पार्ट टू में मैं कुछ दिखाने वाली हूँ, क्योंकि एक ही पार्ट में मैं सारे दिखाने बैठ गई तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। ऑलरेडी मेरे वीडियोज़ लंबे ही होते हैं तो चलिए, और मैं बकबक नहीं करती हूँ। चैनल पे पहली बार आए हैं ना, तो प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना, अच्छे अच्छे कमेंट्स भी कर देना, सजेशंस है कोई तो दे देना। आई वुड लव टू रिसीव योर यू नो सजेशंस। और या सब्सक्राइब कर देना पहली बार आए हो तो, इट वुड मीन अ लॉट टू मी। और अब तक जिन्होंने भी सब्सक्राइब किया है, जितने लोगों ने भी सब्सक्राइब किया है, उन सबको तहे दिल से शुक्रिया, थैंक यू सो मच। तो चलिए अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। ओके, सबसे पहले मैं स्टार्ट करने वाली हूँ इस वाले से। एज आई सेड, मेरे पास शीशे की तरह काम कर रहा है ये। ये बहुत पुराना एक नेक पीस है मेरा, बहुत पुराना, ऑक्सीडाइज्ड है, बहुत ही सुंदर है। इसको मैंने सरोजनी मार्केट से लिया था जब मैं दिल्ली गई थी। तो या इट्स अ वेरी प्रिटी नेक पीस, ऑक्सीडाइज्ड है, ऑक्सीडाइज्ड किसी के भी साथ चल जाता है। मुझे इसका साउंड बड़ा अच्छा लगता है। ऐसे बहुत सारे मेरे पास थे, कुछ यू नो पुराने हो गए, मतलब उनका कलर चेंज हो गया है, कुछ टूट गए हैं, उनको फिक्स करना है, दुकान में देना है, और कुछ टच शूट विद गॉड्स ग्रेस सही है। तो ये रहा पहला। ओके, अब अगला जो मैं दिखाने वाली हूँ, क्या दिखाऊँ, इसको दिखाती हूँ। कुछ मैंने खरीदे हैं और ज़्यादातर गिफ्टेड हैं, गिफ्टेड बाय माई सिस्टर, मेरी दीदी ने दिया है। अच्छा, ये वाला भी मेरी दीदी ने दिया है मुझे, मुझे ये बहुत अच्छा लगता है। शादी के बाद जो पहला वाला दशहरा था मेरा, उसमें मैंने इसको डाला था, पहना था। आई होप आप देख पा रहे हो अच्छे से, बीट्स का है, यहाँ पे स्टोन है, यहाँ पे टसल दिया हुआ है। मैं एक दिन पहन के दिखाने की कोशिश करूँगी। इसमें ईयरिंग्स भी हैं जो मैं नहीं पहनती, बट ये बहुत सुंदर है। और मैं अपनी चीज़ों को ना ऑर्गेनाइज करके अच्छे से संभाल के रखना पसंद करती हूँ। ओके, एक सेकंड। ओके, नेक्स्ट है ये। ये भी बहुत सुंदर है, लेकिन अभी थोड़ा पुराना हो गया है, बट ये काफ़ी सुंदर है। स्टोन का वर्क है इसमें, इफ़ यू कैन सी। और इसका जो रिंग है, ये मुझे बड़ा पसंद है। ये मुझे मेरे भैया ने दिया था, बहुत साल हो गया। इसका रिंग मैंने काफ़ी पहना है, काफ़ी पहना है, देखिए अच्छा लग रहा है ना। इसका रिंग जो है मैंने काफ़ी पहना है। बहुत अच्छा है ये, बहुत ही अच्छा है दिखने में, दिखने में बहुत अच्छा लगता है। इसके ईयरिंग्स भी हैं, ईयरिंग्स मैं नहीं दिखा रही हूँ। ईयरिंग्स इसका जो ईयरिंग है, ये डिट्टो ऐसा दिखता दिखने में है, ऐसा। मैं ईयरिंग्स नहीं दिखा रही हूँ,
अगर किसी को इयर रिंग्स सेपरेटली देखना है तो मुझे बताइएगा, मैं अलग से दिखा दूंगी एक किसी शॉर्ट्स में. ओके, अब मैं दिखाने वाली हूँ ये मैंने अब तक यूज़ नहीं किया है, नया है, वेरी सून आई एम गोना यूज़ इट. ये भी जंक ज्वेलरी है, मतलब ऑक्सीडाइज है. मुझे ऑक्सीडाइज ज्वेलरी बहुत पसंद है. इस टाइप का एक और डिज़ाइन का जो कि मेरा बहुत फेवरेट था, वो अनफॉर्चुनेटली कहीं मिसप्लेस हो गया है या किसी ने चोरी कर ली, आई डोंट नो, बट वो मुझे पिछले 2 साल से नहीं मिल रहा है. मैंने उसको एक ही बार पहना था, उसके बाद से मिसिंग है वो. तो उसके लिए मुझे दुख तो आज भी होता है. उसको मैंने कई जगह ढूंढने की कोशिश की, उसका मतलब वो जैसा था डिटो वैसा मैंने कोशिश की अगर मुझे मिल जाए, लेकिन मुझे मिला नहीं, क्या कर सकते हैं. तो ये है, आप देख सकते हो, ये भी ऑक्सीडाइज ही है. मैं निकाल नहीं रही हूँ इसको, आप ऊपर से ऐसे देख लीजिए. ऑक्सीडाइज ज्वेलरी जो होता है ना, वो किसी भी ड्रेस के साथ, किसी भी अटायर के साथ बहुत अच्छे से सूट कर जाता है. ओके, अगला, ये पर्ल नहीं है लेकिन बड़ा सुंदर है, आई होप आप देख सक रहे हो. एग्जैक्टली ज्वेलरी कलेक्शन में कैसे दिखाते हैं मुझे उतना पता नहीं है, शायद पहन के दिखाते हैं, मैं फिर कभी पहन के दिखाऊंगी, है ना. अच्छा, ये एक और है, ये देखिए, ये एक और है. ये रिसेंटली मुझे मेरे हस्बैंड ने गिफ्ट किया है. वो कैलकटा गए थे तो वहाँ से मैंने कुछ लाने के लिए बोला था मेरे लिए, तो वो ये लेके आए. ओके, और क्या है. ओके, ये देखिए, यहाँ पे एक बड़ा वाला बॉक्स है, ठीक है. आई थिंक आई ऑलरेडी मैंशनड कि मतलब आई ऑलरेडी सेड इन द बिगिनिंग ऑफ द वीडियो कि ये पार्ट वन है, पार्ट टू भी बहुत जल्द आएगा, ठीक है. तो इस पिटारे को मैं खोलती हूँ, और अभी मैं कोई भी फिल्टर मैंने नहीं लगाया है, आप मेरे चेहरे से फिगर आउट कर सकते हो. तो जो भी आपको दिख रहा है वो ओरिजिनल दिख रहा है, कोई फिल्टर नहीं लगाया है मैंने, ठीक है. अच्छा, इस बॉक्स में मेरे काफ़ी सारे नेक पीसेस हैं जो कि मैंने काफ़ी काफ़ी यूज़ किए हैं, अभी भी करती हूँ. और यहाँ मैं जो भी आपको दिखाने वाली हूँ, ये सारे ही मुझे मेरे दीदी ने गिफ्ट किया था. यस, ये देखिए, ये तो बड़ा प्यारा है, बहुत ही स्टाइलिश है, बहुत ही क्लासिक एक लुक देता है. वेस्टर्न तो मैं उतना नहीं पहनती हूँ, थोड़ा बहुत जो इंडो वेस्टर्न गाउन्स वगैरह होते हैं, लॉन्ग गाउन्स, वो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं. अदरवाइज वेस्टर्न मैं उतना पहनती नहीं हूँ, इंडियन तो मैं पहनती हूँ, और इंडो वेस्टर्न जो गाउन्स होते हैं वो मैं थोड़ा बहुत पहन लेती हूँ, जो कि एंकल तक जिनका हाइट होता है ना, सॉरी एंकल तक जिनकी लेंथ होती है ना, हाइट बोल रही हूँ, एंकल तक जिनकी लेंथ होती है मैं वहाँ तक वो वाले पहन लेती हूँ. ये साड़ी के साथ भी काफ़ी अच्छा लगता है. अच्छा, एक और है, ये देखिए, पहन के दिखाती ना तो आपको बेटर समझ में आता, इस ड्रेस के साथ तो कतई नहीं जाएगा ये, बट ये देखिए, बहुत ही प्यारा लगता है, बहुत ही प्यारा. और मुझे इस टाइप के चीज़ें, मतलब नेक पीस ना, बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत ज़्यादा. इसको चाहो तो आप पीछे, मतलब इतना कर सकते हो, चाहे तो लंबा रख सकते हो. ओके, ये वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है, सो काइंडली एक्सक्यूज मी उसके लिए. ये भी सेम उसी टाइप का है, कलर डिफरेंट है. ये देखिए, एक और, ये सारी चीजें एक टाइम पे मैंने बहुत पहनी थी, बहुत ज्यादा, अभी भी पहनती हूँ, लेकिन एक टाइम पे बहुत ज्यादा पहना करती थी. और एक्सक्यूज़ मी, मेरे मेहंदी के डिज़ाइन को ये मैंने खुद लगाया है, और मुझे मेहंदी लगाना आता नहीं है, तो डिज़ाइन लेके जज करने मत बैठ जाना. ये मेरा एक बहुत ही फेवरेट है, पर ये अनफॉर्चुनेटली टूट गया है, तो इसको मुझे फिक्स करना है, बट काफ़ी अच्छा लगता है ये दिखने में, देखिए बहुत ही सुंदर है. ये ना एक मल्टी कलर्ड वो है, बड़ा प्यारा लगता है, बड़ा प्यारा लगता है. ओके, तो ज्वेलरी है इसलिए मैं धीरे धीरे दिखा रही हूँ, है ना. ये एक और है, टिपिकल जो बंगाली एक श्रृंगार हम करते हैं ना साड़ी के साथ, उसके साथ ये बहुत अच्छा लगेगा. ओके, ये मैंने उतना अब तक पहना नहीं है, बट पहना है. ये
साड़ी के साथ तो अच्छा लगता ही है, आप इसको किसी व्हाइट कुर्ती के साथ पहन लो तब भी बड़ा अच्छा लगता है। चलिए अब मैं जल्दी जल्दी दिखाने की कोशिश करती हूँ। ये देखिए एक और है, दिखने में भारी है बट भारी नहीं है। एक और था मेरा बड़ा फेवरेट ब्लैक कलर का, वो कहाँ गया। एक और है, दिखने में सारे भारी लग रहे होंगे बट कोई भी भारी नहीं है। और कुछ छोटे मोटे हैं, ये भी एक असली पर्ल तो नहीं है। मुझे इस टाइप की चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं। और है ये सारे बहुत पुराने हैं, सारे के सारे बहुत पुराने हैं। और भी कुछ थोड़े बहुत हैं, वो दूसरे एक ड्रॉअर में है, वहाँ से मैंने निकाला नहीं है। चलिए मैं बाद में दिखा दूँगी पार्ट टू में, अगर वो मुझे मिल जाए तो। पार्ट टू में कुछ तो ऑब्वियसली दिखाऊँगी ही, नहीं तो वीडियो अभी दिखाने लग गई तो बहुत लंबा हो जाएगा। लेकिन दो तीन मुझे मिल नहीं रहे हैं, शायद मैंने दूसरे रूम में रखा हुआ है मेरे ड्रॉअर में। एक ब्लैक कलर का बड़ा ही सुंदर वाला था, वो मैंने बहुत पहना है, वो मैं ढूंढ रही हूँ। चलिए कोई नहीं, मैं उसको बाद में दिखाती हूँ। अच्छा अब चलिए थोड़े कुछ पर्ल सेट्स में दिखाती हूँ, पर्ल सेट भी मुझे बहुत अच्छा लगता है। अच्छा ये जो है, दिस इज़ उप्स एक सेकेंड। अच्छा तो मैं जो बोल रही थी, दिस पर्टिकुलर सेट इज़ रियली अ वेरी स्पेशल वन मेरे लिए, क्योंकि ये मुझे मेरी मम्मी ने दिया है। ये मेरी मम्मी का था, उन्होंने मुझे दे दिया। इसको बड़ा मतलब बड़ा संभाल के रखा है मैंने, इसको एक ही बार पहना है मैंने सो फार, बट इट्स रियली प्रिटी। ये देखिए मैं ज़रा खोल के दिखाती हूँ। ये देखिए लुक एट इट, कितना सुंदर है। इसको जब आप पहनते हो ना साड़ी के साथ, ऐसा तो नहीं, इसको जब आप साड़ी के साथ पहनते हो शिट, इसको जब आप साड़ी के साथ पहनते हो तो बहुत अच्छा लगता है। अभी तो मैं नहीं पहन रही हूँ बट बहुत अच्छा लगता है जब आप साड़ी के साथ पहनते हो तो। ये बहुत साल पुराना है लेकिन मेरी मम्मी ने भी बड़ा इसको संभाल के रखा था और मैंने भी रखा है। इसके साथ दो बैंगल्स भी आते हैं, दो ईयरिंग्स भी आते हैं। और ये रहे ईयरिंग्स, इफ यू कैन सी। ओके, तीन और दिखाने वाली हूँ मैं पर्ल सेट। ये एक है ये मुझे मेरी शादी में रिसीव हुआ था। इसको ना मैंने अब तक पहना नहीं है तो ये फिक्स्ड होके रह गया है अंदर। एक सेकेंड, मैं इसको फिलहाल खोल नहीं पा रही हूँ, मैं इसको ऐसे ही आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए और इसका एक ईयरिंग यहाँ बाहर आ गया, मैं दिखाती हूँ आपको। ये सब पहन लेना पड़ेगा क्योंकि धीरे धीरे पुराने होती जा रही हैं चीज़ें। ओके, ये है उसका ईयरिंग। ठीक है, और ये मैंने एक यूं ही बस लिया था, मेरे निकनेम का जो फर्स्ट लेटर है टी, उससे। तो ये मुझे बड़ा प्यारा लगता है। ओके, अच्छा एक और है, ये भी मुझे मेरे शादी में रिसीव हुआ था। अब तक मैंने इनको खोला ही नहीं है, ये नए के नए पड़े हुए हैं, खोल के ना यूज़ करना स्टार्ट करना पड़ेगा। अच्छा मैंने आपको दिखाया ही नहीं, ये आ गया बाहर। ये देखिए ये ब्लू पर्ल का है, बड़ा सुंदर है ब्लू पर्ल। और इसका ईयरिंग भी ऐसा ही है, जैसे इसका पेंडेंट है सेम है इसका ईयरिंग भी। अरे बाप रे, वीडियो काफ़ी लंबा हो गया। अब एक लास्ट मैं दिखा रही हूँ, लास्ट इस पार्ट के लिए। अच्छा ये बैंगल मुझे मेरी सासू माँ ने दिया है, ये उनका है, मेरी मदर इन लॉ का, मैं उनसे लेके आई हूँ। इसको मैंने बहुत पहना है, इसके बैंगल को, या ब्रेसलेट सॉर्ट ऑफ बैंगल है ये, जो भी बोल दो आप। तो इसको मैंने बहुत पहना है। और ये है इसका जो मेन हार है वो।
आई एम हैप्पी कि मुझे इतने सारे पर्ल सेट्स रिसीव हुए हैं. आई रिसीव्ड सो मेनी पर्ल सेट्स एंड आई एम क्वाइट हैप्पी अबाउट इट, क्योंकि मुझे पर्ल बहुत अच्छा लगता है. गोल्ड भी अच्छा लगता है, लेकिन पर्ल की ना अपनी एक अलग ही, मतलब एक अलग ही उसकी, पर्ल की अलग ही कशिश है. ओके तो मैंने कुछ अपने जो हैं दिखाए हैं नेक पीस आप लोगों को. ये वीडियो जाते जाते ट्यूसडे हो जाए या आज ही चला जाए, और कुछ और हैं जो कि मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में दिखाऊंगी. तो आई होप यू लाइक द वीडियो, और वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर देना. एंड आई रिपीट इट अगेन, चैनल पे पहली बार आए हो तो प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग, इट वुड मीन अ लॉट टू मी. मेरा टारगेट है फिलहाल 1K हासिल करना, तो प्लीज़ मुझे हेल्प कीजिए, मुझे मेरा जो है सक्सेस अचीव करने में मुझे हेल्प कीजिए. चलिए आज के लिए इतना ही, जल्द मिलती हूँ पार्ट 2 के साथ. बाय बाय, टेक केयर.